नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। जब बीजेपी प्रत्याशी चुनाव में हारने लगे, अब वह धरने का सहारा लेने लगे। जी हां दोस्तों, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रत्याशी धरने पर बैठे। यूपी विधानसभा चरण 8 चरणों में समाप्त होना है। 2 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। वहीं संभल जिले से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंघल ने फर्जी मतदान का आरोप लगाकर मतदान केंद्र के बाहर ही धरना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब बीजेपी प्रत्याशी के इस धरने के वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और तंज कस रहे हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि रुझान आने लगे हैं, तो अगले यूजर ने कहा कि तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा मुख्यमंत्री, धरना किसके विरुद्ध। वहीं अगले यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सारे संसाधन और संवैधानिक संस्थाओं के बल पर चुनाव लड़ने वालों का हाल देखिए, मतलब मठ वापसी तय है। यूपी कांग्रेस की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि मतलब छेदीलाल का बिस्तर बंद पैक हो चुका है। देख सकते हैं तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आ रही हैं। ट्वीट के माध्यम से आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।